बाय मैम, बाय नहीं बेटा, हेलो, गुड इवनिंग। सो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से सभी बच्चे मुझे चैट सेक्शन में बता दो सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों चीज हो रही है तो जल्दी से यस लिख दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गुड, मतलब सबको आ रही है। सो बेटा, जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर वन पढ़ रहे हैं, है ना, नंबर सिस्टम। इसके हम रिवीजन कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक इसमें बच्चे कवर कर लिए थे। अभी जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्याओं के बारे में, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या रैशनल नंबर है ना, परिमेय संख्या हम पहले भी देख चुके हैं, अभी हम दोबारा से एक बार, रीजन है क्योंकि, तो हम इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। अगर बेटा मैं परिमेय संख्या पे बात करूं तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटा q की रूप में लिख सके, जिस संख्या को आप p बटा q में लिख सकते हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां पर q जीरो नहीं होता है और p और q दोनों ही पूर्णांक होते हैं। क्या मैंने ये डेफिनेशन, जो तीन लाइन की डेफिनेशन है बेटा ये, कि जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सके, जहां पर q आपका जीरो नहीं होता और p एंड q दोनों क्या होंगे बच्चे, पूर्णांक होंगे। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है। तो अगर मैं किसी से भी पूछती हूँ कि परिमेय संख्या क्या है, तो आप क्या कहोगे, मैम जिसे p बटा q में हम लिख सकते हैं और q हमारा जीरो नहीं होता और p और q हमारा पूर्णांक होता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। यस, अच्छा अच्छा, मैंने एक चीज लिखी यहाँ पर, p एंड q पूर्णांक होंगे। अब पूर्णांक तो सभी बच्चों को पता है क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, है ना, और जीरो। तो उसमें पूरे नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या सारी आ जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर 5/2 लिख रही हूँ वो भी एक परिमेय संख्या, और -5/2 लिख रही हूँ वो भी एक परिमेय संख्या है, राइट। क्या मैं ये बात सही कह रही हूँ या नहीं, क्या मेरी बात ये बात समझ आई है कि परिमेय संख्या होती क्या है, और परिमेय संख्या में जो है आपके पूर्णांक के सारे जो p और q होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। तो जो नेगेटिव वाले माइनस वाले नंबर भी आ गए उसे भी हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो मान लीजिए मैं अगर यहाँ पर 5 लिख रही हूँ, एक नंबर लिख रही हूँ, 5, 2 या फिर 3, तो ये भी बेटा क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इन नंबर के नीचे मैं इन्हें बटे में एक लगा सकती हूँ, और नंबरों के नीचे अगर मैंने एक लगा दिया तो ये p बटा q की फॉर्म बन गई, p बटा q के रूप बन गया ना। और जो संख्या p बटा q में लिख सके उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ बच्चों कि चाहे हम प्राकृतिक संख्या ले ले, प्राकृतिक संख्या लिख ले, है ना, प्राकृतिक संख्या मतलब, प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पूरी गिनती, या हम पूर्ण संख्या लिख ले, है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, या मैं पूर्णांक लिख लूं, या मैं पूर्णांक लिख लूं, ठीक है, -1, -2, -3 वाली, और 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं आपकी क्या होंगी बच्चे, तीनों ही संख्या आपकी परिमेय संख्या होंगी। क्यों, क्योंकि मैं इनके नीचे बेटा एक लगा सकती हूँ, और एक लगाते ही ये क्या बन गए, ये एक परिमेय संख्या बन गई। तो जिन्हें आप p बटा q के रूप में लिख सको उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो चाहे प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, तीनों ही परिमेय संख्या होती हैं। इतनी बात समझ में आई है या नहीं मेरे सभी बच्चों को, इतनी बात समझ में आई है या नहीं, यस और नो, चलो बता दो जरा, यस और नो। बेटा कैमरा बंद कर लो, कैमरे की जरूरत नहीं है, प्लीज। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, प्लीज प्लीज, कोई भी नहीं, प्लीज एक ने स्टार्ट कर दिया दूसरी, फिर मैं सबका बंद कर दूंगी, ऐसे मत करो। ठीक है, तो बेटा सिंपल सी थिंग थी, चीज है कि परिमेय संख्या क्या, कौन कौन सी होती है। तो अगर बेटा मैं ये बात कहना चाहूं कि परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी, तो अगर मैं कोई नंबर लिख रही हूँ, 2 लिख रही हूँ या -2 लिख रही हूँ या -5 लिख रही हूँ, तो आप क्या कहोगे कि मैम ये परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इनके नीचे क्या लगा सकते हो, एक लगा सकते हो, है ना, p बटा q में लिख सकते हो। और मैं अगर -5/3 लिख रही हूँ, ये भी एक परिमेय संख्या है, राइट, क्योंकि ये भी एक p बटा q में, और q और p एंड q पूर्णांक हो सकते हैं, और -5 एक पूर्णांक है, ये भी परिमेय संख्या है।
अगर मैं बच्चे दशमलव वाली संख्या लिख रही हूँ, मान लो मैं लिख रही हूँ 3.5, तो आप क्या कहोगे, मैम दशमलव को हम भिन्न में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 35/10, यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या है, तो दशमलव वाली संख्या भी परिमेय संख्या होती है। अब बात ये आती है फिर बेटा, कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। अगर मेरे पास वर्गमूल में है संख्या, मान लो वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, है ना, वर्गमूल 7, वर्गमूल 6, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे, क्योंकि मैं इन्हें P/Q में नहीं लिख सकती, क्योंकि मैं इन्हें P/Q में नहीं लिख सकती हूँ, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें से बेटा जो पूर्ण वर्ग होते हैं, पूर्ण वर्ग मतलब जैसे मैं वर्गमूल 4 लिखती हूँ, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2×2=4, यानी कि 2 पूर्ण वर्ग निकल के आ गया, 2 तब 4 एक पूर्ण वर्ग है ना। ऐसे ही मैं 9 ले लू, 16 ले लू या 25 ले लू, इनको आप ऐसे लिख सकते हो, 3×3=9, मतलब एक जोड़, इनका एक ग्रुप बन रहा है, 4×4=16, 5×5=25, 6×6=36, ये एक पूर्ण वर्ग है, तो ये परिमेय संख्या होंगे। उसके अलावा जो भी वर्ग में लिख रहे हैं, वर्गमूल में लिख रहे हैं, ये आपके क्या होंगे, ये आपके अपरिमेय संख्या होंगे। तो ये परिमेय संख्या होगी, ये वाले परिमेय है और वो अपरिमेय संख्या है। क्या इतनी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? अगर आपसे पूछा जाए वर्गमूल 11 क्या है, तो क्या बोलोगे, मैम ये परिमेय संख्या नहीं है, है ना, पूर्ण वर्ग ही नहीं है ये तो, राइट। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है? नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। क्या किसी को डाउट है? नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो फिर अभी बात कर लेते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट चीज की, कि हमने सब देख लिया, हम बात करें अगर जीरो की, तो बेटा जीरो क्या है, जीरो की बात करें तो जीरो क्या है, देखो बेटा जीरो को आप जीरो के नीचे एक लगा सकते हो, है ना, इस यानी कि जीरो को एक P/Q बन गया। आपने क्या पढ़ा है कि P/Q, लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला तो जीरो हो सकता है ना, हर जीरो नहीं हो सकता आपका, लेकिन अंश तो हो सकता है ना, तो यानी कि जो जीरो हुआ वो एक परिमेय संख्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जीरो क्या है, तो आप क्या होगा, जीरो के नीचे आप एक लगा सकते हो, इसलिए वो एक परिमेय संख्या है। क्या मेरी इतनी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? चलो बता दो जरा। ठीक है, चलो फिर सभी बच्चे मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से आपको देखना है, और देखो कौन सी इनमें से है जो P/Q में हम नहीं लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था, और फिर पोल में आंसर करना। और एक मुझे एक फोन से, जो ज्यादा बच्चे ज्वाइन है, एक में आंसर देंगे पोल में, बाकी चैट सेक्शन में अपने नाम के साथ आंसर लिख देना, ठीक है। चलो अभी आपके पास पोल आएगा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, करिए जरा, पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास। चलिए आंसर कीजिए, पहले देखो कौन सा आंसर ठीक है और उसका आंसर करिए। कर दिया मैम। वेरी गुड, दिया मैम, वेरी गुड, जी सबसे पहले मैंने किया, वेरी गुड। बेटा पहले की रेस नहीं होती, मैं हमेशा क्या कहती हूँ, जल्दबाजी की यहाँ रेस ही नहीं है, रेस है आपको जो समझ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन सही है वो, वैसे करा फर्स्ट टाइम, वेरी गुड बेटा। चलो बाकी बच्चे भी करो। बेटा म्यूट कर लो, बाकी बच्चे फिर डिस्ट्रैक्ट होंगे ना। चलो सभी बच्चे करेंगे बेटा आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। पहली है -7/8, बी है 5, फिर है 3.4, फिर है वर्गमूल 7, है ना, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। वेरी गुड,
सभी करेंगे, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे मत करो। आंसर मुझे सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, कर दो जरा। कर दो जरा, अभी भी मेरे 3 बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सबका आंसर चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है कर दो। मैम जी, मुझको अपना नाम और रोल नंबर और एसआर नंबर आपके पास भेजना। हाँ बेटा, इसमें आप ना अभी क्लास ओवर होने के बाद ना आप चैट में लिख देना, ठीक है? रुकना, आप ठीक है, 5 मिनट ना, फिर जब मैं और सर बोलूँ, के पास भी फोन करना नहीं पहले आप लिख दो फिर मैं बात करूँ, ठीक है? है। ठीक है चलो 5 सेकेंड और, दो दो बच्चे मेरे बच्चे हैं, जल्दी से आंसर कर दो। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चों ऑन, ठीक है? चलो अभी देखते हैं, सिंपल है, आपने पता है जिसको आप पी बटा क्यू में लिख सको, अभी ये तो -7/9 है, ये तो वैसे ही पी बटा क्यू में है ना, और क्यू पूर्णांक, पी और क्यू पूर्णांक होंगे तो यानी कि माइनस वाला नंबर तो परिमेय संख्या है। 5 को आप 5/1 लिख सकते हो, तो ये भी एक परिमेय संख्या बन गई, ये भी एक परिमेय संख्या बन गई। फिर आपने देखा 3.4, 3.4 को आप कैसे लिख सकते हो, 34/10, तो यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या होगा, पी बटा क्यू में जो लिख पाओ वो परिमेय संख्या। क्या आप वर्गमूल 7 को लिख सकते हो क्या? ये पूर्ण वर्ग भी नहीं है, जिसकी जैसे हमने नो देखा मैम। 2 दूनी 4 है ना, 4 चौक 16, नहीं ऐसे बन रहे 55 25, 3 3 9, तो इस 7 से तो कुछ नहीं बन सकता, 7 गुना 1, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि ये अपरिमेय संख्या, जिसे हम पी बटा क्यू में नहीं लिख सकते हैं, राइट? तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर किया है। चलो मैम ये परिमेय संख्या नहीं है। नहीं, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है? चलो अभी एक क्वेश्चन का और आंसर दो फिर सभी बच्चे मुझे। क्वेश्चन है, परिमेय पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, जो पूर्णांक होते हैं अभी हमने देखा था वो क्या परिमेय संख्या होता है या अपरिमेय संख्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है? पूर्णांक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या, सत्य है या असत्य, ये जो लाइन लिखी है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है? सही पोल में है बेटा, पोल में, पोल में, पोल में। कर दिया मैम, मैंने कर दिया। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 सेकेंड रुकिएगा अभी। यस मैम। हाँ जी, आप कीजिए, सभी दोबारा कर देना बच्चों, जिन बच्चों ने लिख कर दिया था ना वो बच्चे भी दोबारा कर देंगे। यस, अब कीजिए। कर दिया जी, दिया वेरी गुड, मैम, हो वेरी गया। गुड, वेरी गुड। सभी का आंसर चाहिए बेटा, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आपको देखिए। वो कह रहा है पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्या है या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है ये सत्य है स्टेटमेंट या गलत है, ठीक है? अभी सबको पता है पूर्णांक परिमेय संख्या के लिए क्या होना चाहिए, जिसे आप पी बटा क्यू में लिख सको। आप सोचो पूर्णांक को आप पी बटा क्यू में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, लिख सकते हो तो सत्य है, नहीं लिख सकते तो असत्य है। हमें एक बार अर्जेंट काम है, हमें 1 मिनट में, हम जा रहा हूं मैं। बच्चे क्लास किट से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, पर ठीक है, बट लेकिन ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए, सभी बच्चे क्लास के दौरान पहले एक तो ऐसे लेफ्ट बार बार ना कीजिए, क्लास को पूरा अटेंड करो सभी बच्चे। चलो अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, बेटा सबका आंसर चाहिए, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है कीजिए।
पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, सत्य है या असत्य है? चलो चलो 5 सेकंड और दे रही हूं, जो मेरा बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकंड और 5, 4, 3, 2, 1। जीरो। चलो पोल को करते हैं बच्चों ऑफ और चैट को कर देते हैं हम ऑन। सिंपल था। आप देखो पूर्णांक क्या होते हैं, आप सभी को पता है ना? पूर्णांक आपके पास क्या उनसे होते हैं, जिसमें जीरो आ जाए, सारे पॉजिटिव वाले नंबर यानी कि धनात्मक संख्याएं आ जाए और ऋणात्मक संख्याएं आ जाए, है ना? इन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। और इनके नीचे हम एक लगा देंगे तो ये प्राकृतिक संख्या बन जाती है बिना नंबर को चेंज किए, राइट? ऑप्शन नंबर सही कौन सा हुआ, यानी कि सही बात है ना जो कह रहा, पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो गया। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, बट यू आर लेट, आप लेट हो। चलो आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने सही भी किया था। अभी देख लेते हैं, हमने देखा परिमेय संख्या होता क्या है, अब हम इस पे देख लेते हैं संक्रियण। संक्रियण मतलब ऑपरेशंस, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ठीक है? अगर मैं सबसे पहले भरेंगे हम किस पे, जोड़ने पे, ठीक है? अगर हम सबसे पहले देखें कि मान लो मेरे पास दो नंबर है 7 और 8/5, मुझे इन्हें आपस में जोड़ना है। जैसे हम दो भिन्नों को जोड़ते थे वैसे ही तो परिमेय संख्या को जोड़ते थे। अगर मुझे 7 में जोड़ना है 8/5, तो 7 का मतलब क्या हुआ, 7/1। यस बेटा 7 के नीचे 1/1 आ जाए, 7/1। राइट 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 यस बेटा, ठीक है? अब देखो बच्चों, अब मेरे पास आ गया, अब मैं 5 और 1 का क्या करूंगी, एलसीएम ले लूंगी, है ना? एलसीएम ले लूंगी। अब मैंने देखा यहाँ पर एलसीएम 5, 5 के पहाड़े से 5 एकम 5 और 1 का तो 1 ही आ जाएगा, तो 5 इसका एलसीएम हो गया। अब मैंने देखा 1 के पहाड़े में 1 से भाग करेंगे 5 को, या 1 के पहाड़े में 5 कब आता है, 1 पंचे 5, 5 पे गुना किया, ऊपर कितना है 7, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया, प्लस किया 5 के पहाड़े में 5 कब आता है, या 5 को 5 से भाग करते तो कितना आएगा 1, 1 गुना में ऊपर कितना है 8, तो मैंने 8 लिख दिया। अब 5 सत्ते 35 प्लस 8 एकम 8 बटे में बेटा 5 है, कितना हो गया 43/5। क्या ये आगे कट सकता है? नहीं कट सकता, तो यही आपका आंसर हुआ। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? यस और नो? मैम दोबारा से समझाइए। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, ओके, सबको आ गया? देखो मान लो बेटा मेरे पास दूसरा नंबर लेते हैं, ठीक है? दूसरा नंबर लेते हैं, मेरे पास है 3/5 और 5/3, ठीक है? 3/5, 5/3, मुझे इसका एलसीएम लेना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले 5 और 3 का एलसीएम ले लूंगी। अब सबसे छोटे से लेते हैं, 2 के पहाड़े से तो जाएगा नहीं, 3 के पहाड़े से जाएगा, तो 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता, तो 5 ऐसे ही लिख देंगे, 3 एकम 3, फिर 5 एकम 5, तो 3 के गुना 5 से करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 15 आ गया। तो मैंने यहाँ लिखा 15, 5 के पहाड़े में 15 कब आता है, या 5 से भाग करेंगे 15 को तो कितना आएगा 3, है ना? 5 3 15 होता है ना, तो गुना ऊपर कितना है बेटा 3, यहाँ लिख दिया। अब 3 के पहाड़े में 15 कब आता है, 3 पंजे 15, तो 5 यहाँ लिखा, गुना में ऊपर कितना है 5, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है? अब देखो 3 3 9 जमा 5 25 बटे में बेटा 15, तो कितना आया 34/15, ठीक है? ये और सरलतम रूप हम नहीं लिख सकते, किसी पहाड़े से नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर है। क्या मेरी बात अब समझ आई है सभी को? तुषार की आईडी से बेटा क्लियर हुआ? यस मैम। और बाकी बच्चों बेटा चैट में लिखो, है ना? हाँ, किसी को डाउट इसमें? ठीक है ठीक है, सबको समझ आ गया? चलो फिर मुझे एक आंसर दो, एक क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो बेटा मेरे पास है 7/2 और मुझे यहाँ जोड़ना है 5/3। चलो इसका आंसर बताओ जरा चैट सेक्शन में मेरे सभी बच्चे, कितना आएगा?
7/2 जमा 5/3। चलो कॉपी में करो और फिर मुझे बताओ इसका आंसर कितना है। और सब अपना अपना बताएंगे चैट सेक्शन में। चलो बताओ जरा कॉपी में करो पहले और फिर मुझे बताओ। सभी बच्चे लिखो जरा चैट सेक्शन में कितना। सब अपना अपना लिखना ठीक है। देखते हैं बाकी बच्चों को क्या आंसर आता है फिर देखते हैं आपका सही है या गलत। ठीक है ओके। चलो हमने क्या किया बेटा, मैंने पहले क्या किया, हमने 2 और 3 का एलसीएम लिया है ना। 2 और 3 का हमने एलसीएम लिया। 2 के पहाड़े से जाएगा 2 एकम 2, 3 एडजेक्टिव, फिर 3 के पहाड़े से जाएगा 3 एकम 3। तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 2 3 6। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 6। मैंने यहाँ 6 लिख दिया। अब देखा मैंने कि 2 से भाग करेंगे 6 को, या 2 के पहाड़े में 6 कब आता है। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 3 6। तो 3 यहाँ आ गया, गुना में ऊपर कितना बेटा 7। तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया, प्लस का साइन लगाया। 3 के पहाड़े में 6 कब आता है, 2 पे, 3 2 6, गुना ऊपर कितना है 5। तो 5 यहाँ लिख दिया, 7 3 21 प्लस 5 2 10/6, तो कितना आ गया 31/6। अभी कट नहीं सकता किसी भी पहाड़े से, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या ये मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई। और जितने बच्चों ने मेरा को आंसर दिया ना, बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। चलो फिर मैं आगे बढ़ूंगी अगर इतना समझ आ गया है तो। ठीक है बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलो अभी मान लो क्योंकि परी में संख्या है तो मुझे उसने बोला कि 3 में ना आप जोड़ दो -7/3। अब -7/3 कैसे जोड़ेंगे हम। देखो आपको पता है प्लस के गुना माइनस से, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, कितना साइन आएगा माइनस का साइन आ जाएगा। तो 3 में से घटाना है 7/3, तो मैंने क्या किया इसके नीचे 1 लगा दिया। अब देखो अब 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 ही होगा है ना। अब 1 के पहाड़े में 3 कब आता है, 1 के पहाड़े में 3 कब आता है, 1 3 3, तो मैंने 3 लिखा, गुना में ऊपर कितना है 3 है, 3 लगाया। माइनस 3 के पहाड़े में 3 कब आता है, 3 एकम 3, गुना में ऊपर कितना है 7, तो मैंने यहाँ 7 लिखा। 3 3 9 -7/3। अच्छा जब बेटा प्लस माइनस कर रहे होते हैं ना, तो देख लिया करो कि अगर दोनों नंबर अलग अलग है साइन के हैं। जैसे यहाँ देखो 9 प्लस का है, -7 है, तो 2/3 माइनस होगा है ना। तो हमने क्या किया, 9 में से 7 घटाए 2, बड़ा नंबर कौन सा है 9 बड़ा है, 9 का साइन माइनस का प्लस का है, तो +2/3, यानी कि 2/3 हमारा आंसर हो गया। तो मतलब घटाते समय ये ध्यान रखना बड़ा नंबर कौन सा है उसका साइन आता है, ठीक है। प्लस माइनस यानी कि एक प्लस का और एक माइनस का घटाएंगे ही, पर साइन जो होगा वो बड़े नंबर का आएगा। क्या इतनी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आ गई है, बता दो जरा चैट सेक्शन में या रिपीट करना है। सभी बच्चे मुझे बता दो फिर मैं पूछूंगी आप क्वेश्चंस। ठीक है पूनम की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ आया। मैम एक बार दोबारा समझा दो ये माइनस वाला। ठीक है देखो अब उसने बोला 3 में से आपको -7/3 करना है, ठीक है, मतलब जोड़ना है, क्योंकि प्लस का लगाएंगे साइन तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस लिख रही हूँ, ठीक है। अभी देखो माइनस करना है तो मैं सिंपल बटे में 1 लगा दूंगी, और 3 और 1 का एलसीएम आपको पता है 3 ही आएगा। अब 1 को 3 से भाग करेंगे, 1 के पहाड़े में 3 कब आता है, 3 पे आता है, 3 1 1 1 1, 1 2 1 3 3 लिखा, गुना में ऊपर कितना है 3 है, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। माइनस 3 के पहाड़े में 3 कब आता है 1 पर, गुना में ऊपर कितना है बेटा 7, तो मैंने यहाँ 7 लिखा। अब देखो 3 3 9 और 7 1 7,
9 - 7/3 कितना हुआ? 2/3। अब देखो मैं ये चीज बता रही हूँ बेटा, प्लस माइनस जब भी होता है ना, तो देखो 9 प्लस का है, 7 माइनस का है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, हमें याद है ना। अलग अलग साइन वाले नंबर होते तो हम घटाते हैं, पूर्णांकों में हमने पढ़ा था, तो मैंने घटा दिया 9 में से 7 गए, और बड़ा नंबर 9 है, 9 का साइन माइनस प्लस का है, तो मैंने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, तो प्लस 2/3 हमारा आंसर हो गया। तो जब भी जमा घटा दोनों आ रहा हो ना बेटा, तो देख लिया करो, प्लस होता हमेशा माइनस ही है जब दोनों एक जैसे अलग अलग साइन के होते हैं, पर बड़े नंबर का साइन आता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया पूनम की आईडी से और बाकी मेरे बच्चों को? तो अब मैं पूछूंगी क्वेश्चंस। ठीक है, चलो दो फिर जरा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आपको 9 में जोड़ना है 8/7, यानी कि 9 का मतलब क्या हुआ, 9 के नीचे 1 लगा दो। ठीक है, चलो इन्हें जोड़ो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। पहले कॉपी में करना है, फिर पोल में करना है। ठीक है, पहले कॉपी में करो, फिर पोल में। सभी बच्चे करेंगे, आराम से करो, पहले कॉपी में फिर पोल में। 9/1 + 8/7। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। आप लोग बहुत लेट लेट ज्वाइन कर रहे हो, टाइम से क्लास ज्वाइन किया करो, सभी बच्चों के लिए ये आधी क्लास निकल गई है, आप लोग कब क्लास ज्वाइन कर रहे हो, क्या बात है। चलो सभी बच्चे मुझे आंसर दीजिए, अभी मेरे बहुत बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी मेरे काफी बच्चे आंसर गड़बड़ कर रहे हैं, ध्यान से बेटा, नहीं जल्दबाजी नहीं, कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर गड़बड़ कर रहे हो, पहले आराम से कॉपी में कर लो और ऑप्शन सही से देखो, ऑप्शन सही से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आंसर सही निकाल रहे हो, ऑप्शन गड़बड़ सिलेक्ट कर दे रहे हो आप। वेरी गुड, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं बेटा, मुझे आंसर सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आंसर मेरे सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड बेटा, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो। बेटा आंसर सभी बच्चे करेंगे, 9/1 है, 7 और 1 का एलसीएम निकालो, 7 और 1 का एलसीएम सबको पता है, 7 ही आएगा, उसके बाद देखो 1 के पहाड़े में 7 कब आता है और 7 के पहाड़े में 7 कब आता है, फिर ऊपर वाले नंबर से गुना करो। चलिए सभी बच्चे करेंगे, वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, बाकी भी मेरे बच्चे कर देंगे सभी। वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए, ध्यान से, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड, वेरी गुड बेटा, 5 सेकेंड और, 5 4 3
दो एक जीरो। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। बेटा मेरे काफी बच्चों ने ना आंसर गलत किया है। एक बार मुझे ये बताओ, 7 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 7 आएगा। एक के पहाड़े में 7 कब आता है? 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, ऐसे करके 7 पे आएगा। मैंने यहाँ 7 लिखा, गुना में ऊपर कितना है? 9 है। मैंने यहाँ 9 लिखा, प्लस का साइन लगाया। 7 के पहाड़े में 7 कब आता है? 1 पे आता है। गुना में ऊपर कितना है? 8। तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया। ठीक है, अब 7 निम 63 होता है। यहाँ 63 लिखा, जोड़ा, प्लस 8 एकम 8, बटे में बेटा 7। तो 63 और 8 कितना होगा? 71। तो 71/7 हुआ ना आंसर, 71/7 आंसर हुआ। तो 17/7 कैसे लिख दिया मुझे बताओ? काफी बच्चों ने 17/7 लिखा है। आंसर तो बेटा ए हुआ आपका, आंसर तो ए हुआ ना। तो फिर 17/7 कैसे लिखा? और ये मेरे एक दो बच्चों ने नहीं, 4-5 बच्चों ने आंसर गलत किया है। समझ नहीं आया तो बेटा बता दो, बाकी कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर देती हूँ। ये समझ में को नहीं आया। समझ में नहीं आया? नहीं, काफी बच्चों का बेटा ठीक भी था, मैं ये नहीं कह रही, काफी बच्चों ने ठीक भी किया था। बच्चा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास 9 है, इसमें जोड़ना है 8/7। ठीक है, आपने क्या किया, इसके बटे में 1 लगा दिया। अब आपने 7 और 1 का एलसीएम लिखा, 7 ही आएगा। 7 के 1 के पहाड़े में 7 कब आता है? 7, 1 एकम 1, 1 दुनिया 1 से भाग करोगे 7 को तब भी 7 आएगा। गुना का निशान लगाया, ऊपर कितना है बेटा? 9 है। तो मैंने यहाँ लिखा 9, जोड़ का निशान लगाया। अब 7 एकम 7, 7 के पहाड़े में 7 कब आता है? 1 पे आता है। गुना में ऊपर कितना है? 8 है। मैंने यहाँ 8 लिख दिया। अब 7 निम 63 होता है और 8 एकम 8 होता है, बटे में 7 लिख दिया। चलो अब 63 और 63 और 8 कितने हो गए? 71 हो गए। 71/7 हमारा आंसर हो गया, क्योंकि आगे कट नहीं सकता। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है? यस मैम। बच्चों प्लीज, अगर नहीं समझ आया तो पूछ लो, क्योंकि आप लोगों ने काफी ने 17/7 लिखा है, तो वो आंसर नहीं होगा। 17/7 कैसे आएगा? चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो, एक क्वेश्चन का और आंसर दो। आपके पास है 5/9। ठीक है, 5/9 में जोड़ना है आपको 7/8। ठीक है, यानी कि 9 और 8 का पहले एलसीएम लो। ठीक है, आपको पता है लगातार वाले नंबर होते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट गुना कर देते हैं एलसीएम के लिए। चलो सभी बच्चे करना, पहले एलसीएम निकालो। 9 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 9 72 72। ठीक है, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करो और देखो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, और पोल में फिर आंसर करो। पहले आराम से कॉपी में करो, फिर पोल में करना। दिया मैम। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे यार, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड।
वेरी गुड। अभी भी मेरे बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं बेटा, आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। 5/9 है, इसमें जोड़ना है 7/8। पहले 9 और 8 का एलसीएम लो, उसके बाद फिर देखो 9 के पहाड़े में जो एलसीएम आया है 72 आएगा ना, 9 के पहाड़े में 72 कब आता है, फिर उस ऊपर 5 है उससे गुना करो, फिर 8 के पहाड़े में 72 कब आता है, ऊपर 7 है उससे गुना करो, फिर आगे सॉल्व करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे आंसर सबका चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आप कर दीजिए। वेरी गुड, ध्यान से बच्चा ध्यान से, मेरे कुछ बच्चे जल्दबाजी में ना गलत कर देते हैं, पहले आराम से कॉपी में कर लो फिर आंसर करो पोल में। पांच बटा नौ में जोड़ना है 7/8। अभी भी मेरे 4-5 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दो, पहले कॉपी में कर लो और फिर पोल में ऑप्शन सिलेक्ट करो कौन सा सही है और करो। सभी बच्चे करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी कीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो जो मेरी बच्ची बची हुई है जल्दी से आंसर कर देंगी। 5 सेकेंड और, 5, 4। कॉल नहीं चल रहा। अच्छा तो बेटा अभी मैं चैट ऑन करूंगी ना, तब आप वहां कर देना, आज नहीं चल रहा ना, वैसे तो आपका चलता है। 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चा ऑन। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने पहले 9 और 8 का एलसीएम लो, और मैंने वैसे भी बताया जब लगातार वाले नंबर होते हैं ना, जैसे 9, 8, 9, 7, 8, 5, 6, 7, 3, 2 है ना, तो इनका जो एलसीएम होता है वो उन संख्याओं को गुना करने पर ही आ जाता है। और वैसे भी निकालना चाहो तो 2 से करोगे 9 एज इट इज 4 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 2 आ जाएगा है ना, फिर 2 से करोगे यहाँ 2 एकम 2 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, फिर यहाँ से आप ये स्क्रीन में दिख रही है 3 एकम 3। बेटा एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे तो यहाँ से आप जब इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा आपके पास 72 है ना, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 72 आ गया, मैंने यहाँ लिखा 72। अब 9 के टेबल में 9 के पहाड़े में 72 कब आता है, 9 8 72 या 9 से भाग करेंगे 72 को तो हमारे पास आएगा 8, गुना में ऊपर कितना है बेटा 5 है तो मैंने यहाँ 5 लिखा, प्लस में 8 के पहाड़े में 72 कब आता है 8 निम 72 तो मैंने 9 लिखा, गुना में ऊपर कितना है 7 तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। अब 40 + 63/72 तो कितना आ गया 103/72, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो जितने बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर डी लिखा था बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, अगर आ गई है तो बेटा मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी, जल्दी से मुझे बता दो। ठीक है चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो सभी बच्चे। आपके पास क्वेश्चन है बेटा, 5 में से आपको -5 में जोड़ना है 4/3, तो 5 -5 है तो -5/1 हो जाएगा, तो करते हुए सेम ही करना है, 3 और 1 का एलसीएम तो 3 ही आएगा, सेम ही सॉल्व करना है, बस जब आप ऐड करने लगो जोड़ने के टाइम पे देख लेना, जोड़ते और 1 प्लस का और 1 माइनस का हो तो हम घटाते हैं जोड़ते नहीं। ठीक है, आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में करना। चलिए कीजिए सभी बच्चे।
पहले पोल में करो, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करो। अभी भी नहीं दिख रही? अच्छा एक सेकंड देना मुझे बच्चों, एक मिनट दीजिएगा, सबकी स्क्रीन चली गई होगी, एक सेकंड। ठीक है अब दिख रही है? नहीं जी। बेटा फिर आपकी साइड से ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, अगर मैंने दोबारा शेयर करती तब भी नहीं दिख रही, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन आप वैसे ही लिख लो, माइनस पांच घटा के पांच बटा एक प्लस चार बटा तीन। बच्चों ध्यान से, नहीं जल्दबाजी नहीं करो, पहले एलसीएम लो, प्रॉपर पूरा एलसीएम लो और उसके बाद देखो क्या आएगा। तीन और एक का एलसीएम तीन होगा, फिर देखो एक के पहाड़े में तीन कब आता है। और फिर देखो प्लस माइनस बड़ा नंबर कौन सा है, कौन सा साइन आएगा। कर दिया मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड। माइनस पांच प्लस, माइनस पांच में प्लस करने यानी कि जोड़ना है चार बटा तीन। मैम कर दिया। वेरी गुड, अभी भी मेरे बहुत बच्चे रुके हुए हैं, सभी बच्चे कर दो जल्दी जल्दी, पहले आराम से कॉपी में करो फिर पोल में। ध्यान से बच्चों, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं, ध्यान से करो। माइनस पांच में जोड़ना है पांच चार बटे तीन। माइनस पांच बटा एक प्लस चार बटा तीन, तो पहले तीन और एक का एलसीएम लो है ना, उसके बाद आगे सॉल्व करो। वेरी गुड, अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर दो। पांच चार तीन दो एक जीरो। चलो पोल को करते हैं बेटा बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है चलो देखो, आपको पता है तीन और एक का एलसीएम तो हमारा तीन ही होगा है ना। अब एक के पहाड़े में तीन कम आता है, एक एक में एक दुनी दो एक तीन, तीन पे गुना का निशान ऊपर कितना है बेटा माइनस पांच, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि मिक्स ना हो। प्लस में तीन के पहाड़े में तीन कब आता है एक पे, गुना में ऊपर कितना है बेटा चार, तो मैंने चार लिख दिया। अब तीन पंजे पंद्रह और माइनस का, क्योंकि पता है हमें गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस का साइन, प्लस चार एकम चार बटे में बेटा तीन। अब देखो हमने पढ़ा है जब अलग अलग साइन वाले नंबर होते हैं पूर्णांक में तो क्या होता है घटाव होता है ना, तो पंद्रह में से चार घटा दिए ग्यारह आ गया बटे में तीन। लेकिन अब बड़ा नंबर कौन सा है, साइन कौन से नंबर का आएगा, जो बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर यहाँ क्या है पंद्रह है, पंद्रह का साइन माइनस है, तो माइनस ग्यारह बटे तीन हमारा आंसर हुआ। क्या मेरी बात समझ आई है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, तो मैंने काफी बच्चों ने ऑप्शन सही लिखा है पर फिर भी एक दो बच्चों ने गलती कर दी थी। समझ आया क्या? अगर आ गया ना तो मैं एक क्वेश्चन और जरा पूछती हूँ और मुझे फिर नोटबुक दिखाना, तो जिन बच्चों ने गड़बड़ कर रहे हो ना गलतियां नहीं होंगी। दोबारा तो समझाइयो। ठीक है और किसी बच्चे को इसमें डाउट?
बता दो जरा चैट सेक्शन में, क्योंकि मेरे दो तीन बच्चों ने आंसर गलत किया था, तीन चार बच्चों ने आंसर, तीन बच्चों ने आंसर गड़बड़ किया था यहाँ पर। ठीक है देखो बच्चे, हमने क्या किया, माइनस पांच है ठीक है, माइनस पांच में जोड़ा है हमने चार बटे तीन, तो मैंने क्या किया, हमने पांच के नीचे एक लगा दिया, पांच तीन और एक जिसका एलसीएम कितना होगा, तीन होगा ठीक है। एक के पहाड़े में तीन कब आता है, तीन पे आता है, गुना में ऊपर कितना है माइनस पांच, प्लस तीन के पहाड़े में तीन कब आता है एक पे, गुना में बेटा ऊपर कितना है चार ठीक है। तो यहां से मेरे पास कितना है, तीन पंजे पंद्रह ठीक है, प्लस का साइन चार का चार, बटे में बेटा तीन। अब देखो है ना, तीन पांच माइनस पांच और चार, अब पंद्रह और चार यानी कि पंद्रह में से चार जाएगा। हमने पढ़ा है पूर्णांक में अगर एक दोनों अलग अलग साइन के नंबर होते हैं, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, या एक माइनस का हो दूसरा प्लस का हो, तो हम घटाते हैं, तो पंद्रह में से चौथा गई ग्यारह आ जाएगा, बड़ा नंबर पंद्रह है तो माइनस का साइन, बटे में तीन। ठीक है क्या अब मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है, अगर हो गई है तो मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में यस यस ठीक है। चलो फिर मुझे जल्दी से एक चैट सेक्शन में सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास नंबर है दो बटा पांच, इसमें से मुझे घटाना है एक बटा तीन, चलो बताओ जरा आंसर क्या आएगा, चैट में बताना। दो बटा पांच में से घटाना है माइनस एक बटा तीन, कितना आंसर आएगा, पहले पांच और तीन का एलसीएम ले लेना, पांच और तीन का एलसीएम पंद्रह आएगा बेटा, चैट में लिखना आंसर, बताओ जरा कितना आएगा, अपने अपने आंसर लिखना ठीक है। मुझे नहीं पता कौन सा आंसर सही होगा, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही, यस मैम अभी तक दिख रही थी क्या बेटा, आपकी साइड से ना नेटवर्क, एक दो बच्चों को ना नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए यार ऐसा हो रहा है। ठीक है एक बटे पंद्रह, ठीक है देख लेते हैं कितना आता है, पांच के पहाड़े में, पांच के पहाड़े में पंद्रह कब आता है, पांच तीया पंद्रह तीन, गुना का निशान ऊपर कितना है दो, तो दो लिख दिया, माइनस तीन के पहाड़े में पांच कब आता है, पंद्रह कब आता है पांच पे, गुना में ऊपर कितना है एक, तो मैंने एक लिख दिया, तीन दुनी छह माइनस पांच बटे पंद्रह है ना, छह में से पांच गए एक, तो एक बटे पंद्रह आ गया, बिल्कुल सही। ग्यारह बटे पंद्रह कैसे होगा बेटा, जोड़ेंगे थोड़ी घटाएंगे, छह में से पांच घटेगा ना, नॉर्मल घटाना है, तो ये तो कितना आसान था। ठीक है तो आंसर क्या आया बेटा आपके पास, एक बटे पंद्रह। रोहित हाँ गलती से हो गया तो बेटा कोई बात नहीं, लेकिन अगर डाउट है तो मुझे पूछ लेना है ना मैम, ये तो कितना आसान था जी। बेटा प्लीज पागल मत बोलो प्लीज, ऐसे ना डिस्टर्ब हो गए बाकी बच्चे, डाउट है तो लिख दो चैट में मैं बताऊंगी, अप्रिशिएट करती हूँ मैं आप लोग बोलती हूँ, बहुत अच्छी बात है बोलना चाहिए, बट अरे बार बार बोलने से क्लास डिस्टर्ब होगी। ठीक है चलो फिर ओके, अब मुझे बता दो क्या अगर चैट सेक्शन में कि रैशनल नंबर को अगर यानी परिमेय संख्याओं को जोड़ना आ जाए तो कोई दिक्कत होगी, यस और नो, सबको समझ आया ये बात, किसी को डाउट है इसमें? ठीक है ठीक है ठीक है, फिर बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड